वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास फिफ्थ ऑनलाइन क्लासेस ओके इट इज़ योर आई एम अनाम सईद योर जीके टीचर एंड इट इज़ योर जनरल नॉलेज क्लासेस ओके सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू योर यूटी वन सिलेबस ओके फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13 इट विल कम इन योर यूनिट टेस्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक आपका जो है यूनिट टेस्ट 1 में आएंगे चैप्टर्स के क्लियर सो लेट अस स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 इज फ्लावर देयर आर सम फ्लावर्स के यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं जिनकी आपको इमेजेस दे रखी हैं तो आपको इमेजेस देखकर ये बताना है कि इन फ्लावर्स का नेम क्या है के फर्स्ट इज योर अलमंडा फ्लावर इसे हिंदी में जो है अलमंडा फ्लावर बोलते हैं अलमंडा फ्लावर मतलब फूल बोलते हैं अलमंडा फ्लावर आल्सो नोन एज गोल्डन ट्रम्पेट इसे हम जो है गोल्डन ट्रम्पेट भी बोलते हैं एंड येलो बेल ओके इट इज़ फास्ट ग्रोइंग फ्लावर और ये एक फास्ट ग्रोइंग फ्लावर है बी इज पीस लिली इट इज नोन एज क्लोज प्लांट्स ये एक क्या है क्लोज प्लांट है आपका जो आपके ज़्यादातर जो ऑफिस वगैरह हैं इसमें रखा जाता है क्योंकि ये क्या है ये एक इंडोर प्लांट है कि नेक्स्ट इज फोशिया प्लांट फोशिया प्लांट क्या होता है ये एक हैंगिंग टाइप प्लांट होता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट फ्लावर कैन इन थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज एंड कलर्स ओके ये क्या होता है जो फर्शिया फ्लावर होता है इसको देखकर हम पहचान लेंगे कि जो होता है हैंगिंग होता है और ये जो होता है काफ़ी वेराइटीज में होता है और काफ़ी कलर्स में होता है ओके और ये जो होता है आपका हैंग होता है बास्केट्स में और पॉट्स में नेक्स्ट डी इज पैशन फ्लावर इट इज़ नेटिव टू सॉदर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड सॉदर्न के अमेरिका ये जो है साउथ अमेरिका ये जो आपका है पैशन फ्लावर ये सॉदर्न यूनाइटेड स्टेट में और साउथ अमेरिका में पाया जाता है इट इज़ ग्राउंड प्लांट आर यूज टू मेक मेडिसिन और जो इसका ग्राउंड पार्ट होता है वो मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है ओके नेक्स्ट इज रगून क्रीपर रगून क्रीपर इट इज़ ऑल्सो नोन एज चाइनीज हनी सकल एंड नेटिव टू ट्रॉपिकल एशिया ओके ये कहाँ ट्रॉपिकल एशिया में पाया जाता है नेक्स्ट इज बर्ड ऑफ पैराडाइज ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है ये इतना सुंदर होता है कि इसका नेम जो है बर्ड ऑफ पैराडाइज है कि और ये जो है आप अगर इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे इन सारे फ्लावर्स को तो आपके जो सारे फ्लावर्स हैं गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सारे फ्लावर्स आएंगे और इसमें जो भी इनके फीचर्स होंगे वो सारे फीचर्स भी दिखाए जाएंगे जैसे मैंने आपको इनके कुछ फीचर्स बताए हैं कि कहाँ पाए जाते हैं और इनको कौन सा इनडोर होता है कौन सा आउटडोर होता है कौन सा हैंगिंग होता है ऐसे आपको इनके फीचर्स पता चल जाएंगे ओके नेक्स्ट है टेक दोज डैट ग्रो इन वाइन्स ठीक है तो हमें उन फ्लावर्स को पिक करना है जो वाइन ग्रो करते हैं ओके तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रो इन वाइन का मीन्स होता है वाइन आर वुडी प्लांट्स डैट ग्रो ऑन देयर ट्रेलिंग स्टेम्स ओके ये वुडी प्लांट्स होते हैं और इनकी थिन ट्रेलिंग स्टेम्स होती हैं फर्स्ट है आपकी एग्जरी सेकेंड है मॉर्निंग ग्लोरी बगनवेलिया एंड बटरफ्लाई पी तो इसमें जो ये फर्स्ट है एग्जरी ये आपका इसका जो स्टेम होगा वो ट्रेलिंग थिन नहीं होगा और ये एक वुडी प्लांट नहीं है सो इट इज नॉट अ वाइन ग्रोन वाइन ओके नेक्स्ट है टेक दीज दोस दैट कॉमनली ग्रो इन वाइल्ड हमें वो प्लांट बताना है जो वाइल्ड ग्रो करते हैं वाइल्ड फ्लावर्स आर फ्लावर विच ग्रोज नेचुरली इन द countryside rather than being grown by people in garden okay so first is lotus hai water hyacinth ye bhi hai aur lantana ye bhi hai isme se jo last wala hai crown of thorns ye crown of thorns hai ye nahi hai isme se theek hai
नेक्स्ट स्टेप नंबर टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो यहाँ पर क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज डाइकोन इज अ काइंड ऑफ रेडिश विच ऑफ दीज इज इट। ठीक है, मतलब इसमें एक रेडिश का बताना है कि डाइकोन इज अ काइंड ऑफ रेडिश, तो ये आपका बी जो है ये आपका एक रेडिश है। ओके, बाकी नहीं है। फिर है विच ऑफ दीज वेजिटेबल इज यूजली इटन अनकुक्ड। इसमें से आपके ये चारों दे रखे हैं, इसमें से ये और ये और ये, ये आपको कुक करके खाने हैं, और आपका ये जो है ये आपका है जिकामा, ये आपको अनकुक्ड भी खा सकते हैं। ओके, ये सारे अंडरग्राउंड हैं। विच ऑफ दीज फ्लावर्स कैन बी इटन और यूज एज फ्लावरिंग। ये आपके सारे फ्लावर्स हैं जिन्हें हम जो है यूज करते हैं, कैसे हम इन फ्लावर्स को फ्लावरिंग के लिए भी यूज करते हैं और हम इन्हें खा भी सकते हैं। ओके, विच ऑफ दीज आर कुक्ड वैन ग्रीन एंड इटन रॉ वैन राइप। इसमें से कौन सा है जो कुक करेंगे जब ग्रीन होगा तो हम उसे कुक करेंगे, और जब वो रॉ होगा तो हम और ड्राई फॉर्म में होगा तो हम उसे ईट रॉ मतलब बिना कुक के ईट कर लेंगे। तो इसमें से आपका जो ए बी और डी है, ये आपका है जैक फ्रूट, और ये आपका पपाया है, ये आपका फिग है, ये तीनों तो आप ईट रॉ जो होगा रॉ फॉर्म में ईट कर सकते हैं, और जब ग्रीन होगा तब हम इसे कुक कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो है इसे हम जो है जब ये हम इसे ड्रॉ होगा तब हम इसे, ये राइप फ्रूट नहीं है, तो ये राइप फ्रूट नहीं है, ऊपर से हम इसे ईट भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पिक द स्लाइस ऑफ कीवी। ये स्लाइस दे रखे हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से आपका कीवी का स्लाइस कौन सा है। तो देखिए सी ऑप्शन जो है ये आपका कीवी का स्लाइस है। ओके, 6 is which of these nuts grow on tall plants। इसमें से जो ये सारे nuts दे रखे हैं, सारे nuts में हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा nut जो है जो tall plant में grow करता है। तो आपका cashew है, coconut है और apricot है, ये आपके सारे tall plant में grow करते हैं, और आपका जो peanut है, peanut आपका tall plant में grow नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज आर सिट्रस फ्रूट्स। इसमें से आपको बताना है कि सिट्रस फ्रूट कौन से हैं, सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं जो जूसी होते हैं और जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड होता है, वो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो आपके ये जो सारे हैं, सारे ही आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट इज वी कुक विद द ऑयल वी गेट फ्रॉम। ओके, आपका ए दे रखा है कोकोनट, आप जानते हैं, आपको पता है, यू नो व्हाट, डेट कोकोनट से आपको ऑयल मिलता है, और आपका ऑलिव्स हैं, सी ऑप्शन में आपका ऑलिव्स हैं और डी ऑप्शन में आपका पीनट है। तो आप इन सब से आपको जो है ऑयल मिलेगा, और जो आपका पम्पकिन है, पम्पकिन आपको ऑयल नहीं देगा। ओके, क्लियर। सो योर चैप्टर नंबर 2 वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर कंप्लीट इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ आई विल गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, सीड्स वी ईट। सीड्स कुछ होते हैं जिन्हें हम सीड्स को ईट करते हैं, कुछ सीड्स होते हैं लाइक नेम दीज, ये सारे सीड्स आपको दे रखे हैं, इनके नेम बताने हैं। तो फर्स्ट इज मूंग बीन्स, मूंग दाल है आपकी। सेकेंड इज मसूर दाल। थर्ड इज उड़द दाल। के नेक्स्ट इज किडनी बीन्स लाइक मतलब राजमा। ओके, मीन्स राजमा। चिकन बीन्स के जो आपके वाइट चिकन बीन्स जो आपके वाइट चने होते हैं, और आपका ब्लैक आइड बीन, जो आपका ब्लैक आइड बीन होता है, ये आपका होता है लोबिया। ओके, तो आपको इसके नेम लिखने हैं। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर और आंसर्स। ओके, इसमें से एक आंसर भी हो सकता है और आपके काफी सारे भी करेक्ट हो सकते हैं। सीरियल्स आर सीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रासेस। सीरियल्स आपको पता है जो क्रॉप्स होती हैं जिनसे हम फ्लोर भी बना सकते हैं, वो आपके सीरियल्स होते हैं। विच ऑफ दीज आर सीरियल्स, इसमें से बताना है कि आपके जो है सीरियल्स कौन कौन से होते हैं। जो आपके मेज़ है और वीट है, ये आपका सीरियल्स है, मसूर दाल आपकी सीरियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज कॉर्नफ्लेक्स एंड पॉपकॉर्न आर मेड फ्रॉम। तो आपका कॉर्नफ्लेक्स जो है, कॉर्नफ्लेक्स एंड पॉपकॉर्न आपका किससे बनाता है, मेज से। दीज आर ऑफन एटेड एज स्प्राउट्स। स्प्राउट्स जो है मूंग दाल में निकलते हैं, और आपके स्प्राउट्स बेंगल ग्राम्स में निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज
फोर्थ अनदर नेम फॉर किडनी बीन्स, किडनी बीन्स आपका क्या होता है, राजमा होता है, ओके, काली दाल नहीं है और रवा नहीं है. दीज आर ऑल्सो नोन एज लोबिया, लोबिया आपका क्या है, ब्लैक आइड बीन्स, ये है आपका लोबिया, ओके. नेक्स्ट इज मैलेट्स आर ग्रोन इन हॉट एंड ड्राई प्लेट्स, आपके हॉट एंड ड्राई प्लेट्स में ग्रो करते हैं. दीज सीरियल्स इंक्लूडेड जार, बाजरा एंड रागी, ये सारे आपके क्या है, सीरियल्स हैं, ओके, गॉट इट, बाय बाय.